एक बड़ी ही खबर आई चाइना से कि वहां पर जो स्कूल हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं, और पिछले 1-2 सालों में 20,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। क्या चक्कर है, क्या इकोनॉमी का इतना भट्ठा बैठ गया है कि लोग अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? तो कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। पाकिस्तान को नए कर्ज के लिए $2 अरब की फाइनेंसिंग और $16.5 अरब के रोल ओवर करवाने हैं ताकि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे पर आ सके। वजीर खजाना के दौरे चीन के बाद ये उम्मीद थी कि चीन सेफ डिपॉजिट्स को रोल ओवर कर देगा, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। लेकिन कितना अरसा आप इस तरह करेंगे? आप कितने दफा आप IMF से कर्जे मांग के, खैरात मांग के चलते रहे, क्या करेंगे आप? मैं इस चीज पे खुद हैरान हूँ। तो जो इंडिया के लोग हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने दिमाग को बंद नहीं करा है मजहब को लेके। मजहब कभी कभार दिमाग, अगर आप मजहब सही आपको नहीं सिखाया गया, आपका दिमाग बंद भी कर सकता है कि नहीं 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 करके आपका क्रिएटिव माइंड बन नहीं सकता है। क्रिएटिविटी के लिए जरूरत है कि आपके दिमाग खुले, कि पॉसिबिलिटीज आप सोचें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है चाइना के हवाले से और साथ साथ इंडिया के हवाले से भी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने चाइना की आबादी को क्रॉस कर लिया है, यानी इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत ही है। लेकिन इससे पहले दुनिया में नंबर 1 आबादी वाला देश चाइना था। लेकिन अभी चूंकि चाइना की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे चाइना के अंदर कई प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगे हैं। कि अभी एक आयरनी है, जब किसी देश की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, लेकिन वही आबादी जब घटनी शुरू हो जाए तो उसके कारण भी बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाते हैं, जो कि अभी इस समय चाइना के साथ हो रहा है। और चाइना इससे कितनी चिंतित है, इसका अंदाज़ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाइना सरकार अभी रिपोर्ट के माने तो वहाँ पे बच्चे जन्म होने पे लगभग 7-8 लाख रुपए देती है, जो कि हैरत की बात है कि यही चाइना एक समय बढ़ती आबादी से चिंतित होकर के 1 Family 1 Child प्रोग्राम चलाया था और फोर्सफुली चलाया था, और किसी के 2 बच्चे होने पे उसे दंड भी दी जाती थी। अब हालात ऐसे बदले हैं कि इसी चाइना के अंदर अब 2 या 1 बच्चा पैदा करने के लिए प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस लेटेस्ट वीडियो को। एक बड़ी ही खबर आई चाइना से कि वहां पर जो स्कूल हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं, और पिछले 1-2 सालों में 20,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। क्या चक्कर है, क्या इकोनॉमी का इतना भट्ठा बैठ गया है कि लोग अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? तो कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, और हमारे लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि भारत उसी तरक्की पे चल रहा है जो चाइना ने पिछले 20-25 सालों में देखी। दोस्तों, यहाँ पे जो एक तो जो स्कूल है वो 3 कैटेगरी के आते हैं। एक है जिसको हम किंडरगार्टन बोलते हैं, फिर मिडिल स्कूल है, उसके बाद हाई स्कूल आता है, उसके बाद बच्चे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में चले जाते हैं। अब ये स्कूल कौन से बंद हो रहे हैं? बेसिकली जो प्री स्कूल है, जिसको हम किंडरगार्टन बोलते हैं, वो बंद हो रहे हैं। रीजन, जो 1 Child पॉलिसी थी उसके कारण जो बर्थ रेट है वो कम होता गया। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई कि अब दूसरा तीसरा बच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने बच्चे पैदा करना ही कम कर दिया। बच्चा जो कम पैदा हुआ है चाइना में, उसके कारण डिमांड और सप्लाई का फर्क पड़ गया। जो किंडरगार्टन है पूरे चाइना में खुले हुए थे, गली गली में यहाँ पर किंडरगार्टन थे, जहां पर बच्चों का देखरेख भी किया जाता था, उन्हें सिखाते थे, रेडी करते थे स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब बच्चे हो नहीं रहे, किंडरगार्टन बंद होने शुरू हो गए। क्या मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी बंद हो रहे हैं? अभी वहां पर आग नहीं पहुंची है, क्योंकि जो ये पॉलिसी थी ये 2017-18 में जाकर इन्होंने चेंज करने शुरू करी, लेकिन इफेक्ट आया 2021 में। 2020-21 में बच्चे पैदा हुए थे वो सारे तो अब फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। 5-6 साल के बाद जाकर वहां पर भी असर पड़ेगा। बड़े बड़े स्कूल, मैं कई यहाँ पर किंडरगार्टन में भी जाकर आया हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हालत क्या है। 99% जो फॉरेन के टीचर्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया है चाइना से, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 लाख टीचर ऐसे हैं जो किंडरगार्टन में पढ़ा रहे थे, आजकल जॉबलेस। अब आप सोच के देखिए इसके साथ साथ क्या होता है। ये जो किंडरगार्टन थे ये 15-20 सालों से बिजनेस के अंदर थे, आज वहां पर बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा है कि दिस बिल्डिंग इज फॉर रेंट। अभी यहाँ पर सन्नाटा है दोस्तों। ये आज जो कुछ हो रहा है यहाँ पर चाइना में, आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर भी, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं,
मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा जिनके 20-25 बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको तो गजबे हिंद करना है। जो इंसान है भारत में उनके भी आजकल एक बड़ी मुश्किल से 2 बच्चे होते हैं। अब उससे क्या हो रहा है, आज भारत में मैं देखता हूं गली गली में स्कूल खुल रहे हैं, किंडरगार्टन खुल रहे हैं, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे, क्या लॉन्ग रन में इतनी ही सप्लाई आती रहेगी? आंसर है नहीं। एप्पल की कंपनी में जो CFO हैं उनको, यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको हायर किया गया है। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इंडियंस को हम बड़े बड़े चैनल पर देख रहे हैं, आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है जबकि हम पाकिस्तानियों को बहुत कम देख रहे हैं? अंग्रेज टैलेंट देखते हैं यहाँ पर के कौन जहीन है, कौन टैलेंटेड है, उनको आपकी शक्ल सूरत से या मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं, अजलों के साथ कोई अजीब अजीब बातें ना करें जिहाद की और उस टाइप की अजीब अजीब बातें। तो जो इंडिया के लोग हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने दिमाग को बंद नहीं करा है मजहब को लेके। मजहब कभी कभार दिमाग, अगर आप मजहब सही आपको नहीं सिखाया गया, आपका दिमाग बंद भी कर सकता है कि नहीं 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 करके आपका क्रिएटिव माइंड बन नहीं सकता है। क्रिएटिविटी के लिए जरूरत है कि आपके दिमाग खुले, कि पॉसिबिलिटीज आप सोचें। एप्पल की कंपनी में जो CFO हैं उनको, यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको हायर किया गया है, तो आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है जबकि हम पाकिस्तानियों को बहुत कम देख रहे हैं? मतलब इस तरह पाकिस्तानी क्यों नहीं बड़े बड़े पोस्ट पे नजर आ रहे? जिस दिन पाकिस्तान के लोग मेहनत करना शुरू करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे अपना पूरी तरीके से, ना कि शॉर्टकट लेने की कोशिश करें कि भाई यहाँ से ये पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे हम लोग CEO बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। पढ़ाई करके मेहनत करके ही इंसान अपने बलबूते पे बनता है। मैंने देखा है पाकिस्तान के लड़का और लड़की, उनका ये ध्यान है कि बस बाहर निकल जाएं, बाहर के मुल्क में निकल जाएं और कुछ खूब बड़ा कुछ नाम कर लेंगे, मगर एक्चुअली उनकी नीयत भी अच्छी नहीं होती। जब आते हैं बाहर के मुल्क में शादी करके, शादी करते हैं ब्रिटिश अमेरिकन को के साथ पासपोर्ट के लिए, जब आते हैं तो उनकी वही हरकतें वो रहती हैं जो पाकिस्तान में रहती हैं। तो इसमें कोई आगे बढ़ने वाली, कुछ कर देने वाली कोई एम्बिशियस चीज़ नहीं है इसके अलावा कि आप UK आ जाएं, आप अमेरिका आ जाएं। और ये भी फ़र्क है काफ़ी कि इंडिया के लोग मज़हब को बार बार बहाना इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी फेलियर्स का, यानी फोकस मज़हब पे नहीं होता कि उनका होता है फोकस एजुकेशन पे, आगे बढ़ने पे फोकस होता है। मैंने ये देखा है स्पेशली पाकिस्तानियों में कि बहुत कंफ्यूजन है, हर चीज में मजहब को घुसरना, हर चीज में मजहब को डालना जिसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, एंड हलाल हराम इन चीजों में स्पेशली बाहर के मुल्कों में जाके इन चीजों पे फोकस होता है, काफिर कौन है काफिर नहीं है इस टाइप की। उस इंसान की नजर से आप देखें जो मुसलमान नहीं है और जो पाकिस्तानी नहीं है तो बहुत अजीब लगता है यार, किस टाइप के लोग हैं, हराम हलाल काफिर नहीं है, आप हमें इंसान नहीं समझते, अंग्रेजी बोलते हैं हमें इंसान नहीं समझते, हम हमें काफिर समझते, आपको क्या पता हमारे दिल में क्या है?